इंदिरा गांधी हम सबको पता है कौन है, महात्मा गांधी जी हम सबको पता है कौन है। इनफैक्ट हम लोग हर साल 2 अक्टूबर उनका बर्थडे मनाते भी हैं। जब तक ये लोग जिंदा थे, इन्होंने अपने लाइफ में इतनी अच्छी और बड़ी अचीवमेंट्स की, वो चीज़ें हम सबको याद हैं। लेकिन एक चीज़ जो कॉमन है दोनों में ही, वो ये है कि जब इनकी डेथ हुई तो कुछ ना कुछ अनयूजुअल था इनकी डेथ के पीछे। जनरली लोग कैसे मरते हैं, धीरे धीरे हमें ओल्ड एज आती है, कुछ ना कुछ बीमारियाँ आती हैं और हम अपना शरीर छोड़ देते हैं एक दूसरी जर्नी के लिए, हमारी सोल हमारी बॉडी को लीव कर देती है। लेकिन महात्मा गांधी, इंदिरा गांधी, इन दोनों का आपस में कोई कनेक्शन नहीं है, लेकिन फिर भी इन दोनों की ही मौत बहुत अनयूजुअल तरीके से हुई। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि एक कॉमन कनेक्शन इन दोनों में है और वो है इन दोनों के नाम का कॉमन कनेक्शन। इंदिरा गांधी में भी DHI आता है गांधी में, और महात्मा गांधी के नाम में भी गांधी में DHI आता है। अब DHI अगर आप सोचेंगे तो किससे रिजेंबल करता है? धी, डाई के साउंड से रिजेंबल करता है। तो जिसके भी नाम में DHI आता है, मैं ये नहीं कहूँगी कि हमेशा उनकी अनयूजुअल डेथ होगी, लेकिन कुछ ना कुछ हेल्थ इश्यूज चलते रहेंगे, या ये भी हो सकता है कि उनकी डेथ अनयूजुअल तरीके से हो। एक और फेमस एग्जांपल आपको देती हूँ, वो है प्रिंसेस डायना। प्रिंसेस डायना की भी जो डेथ है वो बहुत ही अनयूजुअल तरीके से हुई थी, उन्हें शूट कर दिया गया था, एंड विच इज़ नॉट अ नेचुरल डेथ। तो अपने नाम को थोड़ा सा ट्वीक कीजिए एंड फील द पावर।